जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो, कई मेरे दोस्त हैं वो बार बार मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो कौन से एड्रेस पे होगा, परमानेंट एड्रेस पे होगा या प्रेजेंट एड्रेस पे होगा। हमारा जो एड्रेस है हमने वो लिख दिया था या परमानेंट वाला नहीं लिखा था, या परमानेंट एड्रेस पे अभी हम नहीं रहते हैं, हम कुछ सालों से इधर रहते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या चेक होता है और कब पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि पुलिस वेरिफिकेशन कौन से एड्रेस पे होती है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक पे, और पुलिस वेरिफिकेशन कब होगी और इसमें क्या क्या चेक होता है। तो दोस्तों साथ ही बता दूं, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, जिसमें SSC GD 2021 की मैं तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ, मैथ और रीजनिंग की। तो जितने भी पढ़ने के इच्छुक हैं मेरे दोस्त, वो उस चैनल से जुड़ जाइए और साथ में अपने छोटे भाइयों में, अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन होगी कब, पहला जो ये क्वेश्चन है कि होगी कब, तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे उसके 5 से 6 महीने के भीतर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, यानी 6 महीने के आसपास टाइम लगता है उसमें आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस पे होगी या पोस्टल एड्रेस पे, यानी जो पुराना उनका एड्रेस है घर का मूल निवास के आधार पर, या उन्होंने प्रेजेंट एड्रेस दिया। तो होता क्या है, सबसे पहले आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी मतलब थाने के आप एंटर आते हो, आपका डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेजता है, तो उसमें दोनों एड्रेस भेजता है, परमानेंट भी और प्रेजेंट भी। तो सबसे पहले कनेक्ट किया जाता है आपसे परमानेंट एड्रेस पे या प्रेजेंट के एड्रेस, वो पुलिस डिपार्टमेंट जिस जगह गया उस पर डिपेंड करता है कि वो किस पे आपको कनेक्ट करें। तो सबसे पहले जो कोशिश उनको करते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस आपका, उस पे वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ प्रेजेंट एड्रेस अभी कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ का एड्रेस ये है, तो उस एड्रेस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि इनका मतलब बैकग्राउंड सही, ये बंदा जिसने मूल निवास दिया जहाँ का, ये वहीं का है या नहीं है, वो अपने स्तर पर जो भी तहकीकात करते हैं वो अपनी करके फिर डिपार्टमेंट को क्लियर करके देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसका जो भी मूल निवास या जो इसने लगाया वो बिल्कुल सही, यहीं का ये नागरिक है। दूसरा, अगर आप प्रेजेंट एड्रेस पे नहीं उपलब्ध होते हो तो फिर आपको ट्राई किया जाता है परमानेंट एड्रेस पे, इसीलिए आपसे दोनों एड्रेस लिए जाते हैं, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस इसीलिए लिए जाते हैं, फिर आपसे पर जो परमानेंट एड्रेस है उस पर ट्राई करेंगे। तो जब उस पर ट्राई करेंगे तो आपका वहाँ से पता, अगर मान लो प्रेजेंट पे नहीं मिले तो परमानेंट एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ से पता करेंगे। अब पुलिस वेरिफिकेशन में पता क्या क्या करते हैं, देखो उसमें 2-4 चीज़ें फिक्स पता करते हैं। एक तो कि जो आपने पुलिस सर्टिफिकेट लगाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्या सच में वास्तविकता के आधार पर तो आपने बनाया या कोई डुप्लीकेट सील मार के आप वहाँ पर डिपार्टमेंट में जमा करा दियो। तो ये तो होती है थाने के अंदर की इंक्वायरी, ये तो जैसे आपका जाएगा वो आपका नाम नंबर टाइप करके और आपकी डिटेल निकालेंगे कि हाँ इसका चरित्र प्रमाण पत्र बना है या नहीं, तो फर्स्ट तो हो गया ये। दूसरा कि आप जो मूल निवास लगाते हो, वो मूल निवास जिस स्टेट या जिस ज़िले का आप लगाते हो, क्या आप उस ज़िले के नागरिक हो या केवल फर्जीवाड़े से आप ये लगा रहे हो, तो दूसरी चीज़ ये चेक होती है, ठीक है। तीसरी, जो आप SDM से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हो, चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी तहकीकात होती है कि क्या ये सच में बनाया गया, उनके रिकॉर्ड में चेक करते हैं कि हाँ ये बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ये ओरिजिनल में बनाया है झूठ है। तो ये 3-4 चीज़ें बेसिक चेक होती हैं, या आपके आसपास से वो एक दो गवाहों के साइन करवाते हैं कि हाँ यहीं का नागरिक है, और वो फिर प्रूव हो जाता है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन में इस प्रकार से चेक होती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल सी प्रोसेस है, और जो इसमें कोई चोरी करता है तो उसको घबराने की ज़रूरत है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। जय